हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब पॉपुलिटी कौगे अच्छे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मस्त हूँ अब बज रही है सुबह के दस एंड अब मैं बनाने वाली हूँ लंच एक्चुअली आज टाइम से पहले ही मैं लंच बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद मार्केट जाने वाली हूँ सो एंड मैं किस वजह से मार्केट जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ सो मेरे मतलब ससुर जी मतलब ने मतलब अब्बा ने ये सब्ज़ी वगैरह फ़िश वगैरह ले आया साथ ही धनिया पत्ता भी लेकर आई आजकल धनिया पत्ता मिल रही है मार्केट में तो so, आज हम फिश के साथ ये जो पूज साख है ये बनाएंगे एक्चुअली इसे हमारी लैंग्वेज में पूज शाख कहते हैं आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना एंड ये जो साख है ये हमारी घर का ही है अगर आप मेरी शॉर्ट स्टूडियो वगैरह देखते हो तो आपको तो पता ही होगा एकदम ऑर्गेनिक है कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन एंड फाइबर वगैरह है तो हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सोगाइ so आज मैं कोई भी मतलब रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करने वाली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ तो आप मैं और शाहिदा हम दोनों मिलकर एकदम फटाफट से खाना वगैरह बना लूँगी तो बस मैं अभी सब्ज़ी वगैरह अच्छी तरीके से काट करूँगी एंड एक एक करके सभी मतलब खाना वगैरह बना लूंगी तो देखिए फिश मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है अब मैं इसे फ्राई करूंगी एंड देन मैं इसे साग के साथ बनाऊँगी ही मैंने पोटोल भी काट करके रख दी है इसे हम पोटोल कहते हैं आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता कमेंट करके कर जरूर बताना तो पोटोल की कुछ मैं पकौड़े टाइप बनाऊँगी जो कि मैं अभी नहीं बनाने वाली जब हम लोग खाना खाएंगे तभी तो बनाऊँगी नहीं तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा तो चलो एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाई तो आज मैंने सब कुछ बनाई मेरे पास कुछ आंवला वगैरह था जिसे मैं मतलब खाने के लिए ड्राई होने के लिए धूप पर रख दी क्योंकि मुझे ड्राई आमला बहुत ज्यादा पसंद है सो so गाइस अगर आपकी हेयरफॉल का प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप अपनी डाइट पर ड्राई आमला नो इंक्लूड कर सकते हो या आमला जूस भी पी सकते हो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा देन में कुछ टाइम मतलब अपने आंगन पर बस ऐसे ही ठहरी एंड आप लोग देख सकते हो बोकफुल आजकल कितना ज्यादा लग रही है बहुत ही ज्यादा सुंदर है एकदम व्हाइट कलर का है मैं कुछ देर बाद नहा धो के खाना वगैरह खा लिया था लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी मतलब बिज़ी हूँ एंड अब जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सो गई अब मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए सो मैं किस वजह से मार्केट जा रही हूँ वो आपको बोल देती हूँ सो गई आपको तो पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम है नाइन्थ अक्टूबर को एंड आज है मतलब फिफ्थ अक्टूबर सो आज मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जाएगा तो हम दोनों जाके मतलब जो कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर करनी है हमने कर लिया एंड मैं ज़्यादातर वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे पब्लिक प्लेस पर वीडियो वगैरह शूट करना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है मैं थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ सो सो so, बस मैं एक ही शॉप का वीडियो शूट किया तो हमें कुछ कपड़े वगैरह लेनी थी वो भी हमने लिया एंड देन हम आ गए खाने के लिए मतलब चाय पीनी थी सो so हम आ गए एक रेस्टोरेंट पर हमने चाय पिया एंड चाय पीने के बाद मैंने और भी मतलब बहुत सारे काम वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ किया एंड आज हमारा जो होम टाउन है उस पर मतलब सब्जी मार्केट लगती है तो हमने बहुत सारे सब्जी वगैरह भी खरीदा एंड देन हम आ गए घर एंड देन घर आते ही मैं सबसे पहले तो रेस्ट किया एंड देन मैं फिर से रेडी हो रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्यों रेडी हो रही है कहाँ जा रही है सो गाइस एक्चुअली अब मुझे एक ब्रांड के लिए शूट करनी है सो so, जिस वजह से मैं रेडी हो रही हूँ आजकल मैं इंस्टाग्राम पर कॉलेब्रेशन वगैरह कर रही हूँ पहले मैंने नहीं किया था क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है सो so, मैं नहीं किया था सो so, आजकल मैं कर रही हूँ सो so, जिस वजह से मैं रेडी हो रही हूँ सो गाइस ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ अब मुझे एक हिजाब बनानी है एंड मैं ये जो हिजाब ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम सिंपल हिजाब ट्यूटोरियल है एंड ये मेरा फेवरेट है मैं जब भी जल्दी में हो या जैसे भी हो मतलब माय सिग्नेचर हिजाब ट्यूटोरियल आप ये भी कह सकते हो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो आप भी इसे क्रिएट कर पाओगी बहुत ही ज़्यादा ईजी है देन गाइज आज मेरी हस्बैंड घर पर ही है तो मुझे वीडियो वगैरह शूट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया जब भी मेरी हस्बैंड घर पर रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कैमरा वगैरह अकेले ही हैंडल करना थोड़ा दिक्कत होता है तो अगर हस्बैंड हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है सब कुछ तो देन मैं वीडियो वगैरह शूट किया एंड जो प्रोडक्ट है वो मैं नहीं दिखाई क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है ऑलरेडी आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हो कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ सो so, यही था इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए